न्यूमेरिकल नंबर 4.3। इस न्यूमेरिकल में हमें बताया गया है कि 10 ईंटें हैं, उनको एक दूसरे के ऊपर रखना है। तो जब हम उनको एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे तो हम टोटल वर्क कितना कर चुके होंगे, वो वर्क हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जब हम ईंटों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा वर्टिकली। तो जब डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली कवर हो, तब वर्क का फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं MGH। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर हॉरिजेंटल हो तब वर्क का फार्मूला हम यूज करते हैं FD cos थीटा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली कवर हो रहा है तो हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वर्क इज इक्वल टू MG, जो पहली ईंट है उसका अगर हम मेज के ऊपर उनको जो है रखते जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो मेज का और पहली ईंट का जो फासला होगा वो जीरो होगा। लेट करें, ये हमारी एक मेज है, एक टेबल है, ये हमने पहली ईंट रखी। तो पहली ईंट की जो ये बेस है, ठीक है, इस बेस का टेबल से जो फासला है वो जीरो है, क्योंकि ये बिल्कुल टेबल के ऊपर है। ठीक है, अगर ये टेबल के ऊपर है तो इसकी हाइट टेबल से जीरो होगी। तो जो पहली ईंट है उसकी हाइट है 0H प्लस, इसके ऊपर जो दूसरी ईंट रखेंगे इस ईंट की हाइट टेबल से जो होगी वो इतनी होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ है इसको हम, यानी कि एक ईंट जितना हाइट है, तो मैं लिख देता हूं 1H। जब तीसरी ईंट रखेंगे तो तीसरी ईंट की टेबल की बेस से जो हाइट है वो ये है, यानी कि दो ईंटों के बराबर है, 2 × हाइट ऑफ ब्रिक। जो चौथी ईंट है, चौथी ईंट की जो ये है, ये बेस है, बुनियाद है, ये टेबल से 1, 2, 3 तीन ईंटों जितनी है, तो हाइट ऑफ 3 ब्रिक्स। इस तरीके से जब पांचवीं हम ब्रिक रखेंगे तो पांचवीं के लिए हो जाएगा 4H, छठी के लिए हो जाएगा 5H, सातवीं ईंट के लिए हो जाएगा 6H, आठवीं के लिए हो जाएगा 7H, नौवीं के लिए हो जाएगा 8H, और आखिरी यानी कि दसवीं ईंट के लिए हो जाएगी 9H हाइट। ठीक है, W इज इक्वल टू एम जी, एच इन तमाम में से कॉमन ले लें, एच अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9। जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 45। मास 1.5 केजी है, ग्रेविटी की वैल्यू हमें पता है 9.8 होती है, हाइट ऑफ ईच ब्रिक वो सेंटीमीटर में गिवन है, लेकिन हाइट का ऐसा यूनिट मीटर होता है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, सेंटी की जगह 10^-2 पुट करें तो ये मीटर में हो जाएगी। तो हाइट है 6 × 10^-2, साथ में ये 45। जब आप इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 40 के इक्वल होगा, लेकिन एग्जैक्ट जो आंसर है वो है 39.69 जॉल। इसको आप 40 के इक्वल भी ले सकते हैं, 40 जॉल के इक्वल भी लिख सकते हैं आप। ठीक है।